पता नहीं क्यों मैं इस साल ऐसी सारी बुक्स उठा रही हूँ पढ़ने के लिए जिन पे बेस्ड बॉलीवुड में मूवीज बनने वाली हैं, थिंकिंग दैट दे विल बी सो गुड, लेकिन हर बारी मैं गलत प्रूव हो जाती हूँ। हे गाइस, वेलकम टू बुक्स अमेज। आई एम अवनी एंड आई एम वेयरिंग माई न्यू स्वेटर टुडे विच इज़ वेरी ऑरेंजी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फ्लॉन्ट इट आउट एंड आई एम जस्ट गोना गो टू स्टारबक्स आफ्टर फिल्मिंग दिस वीडियो फॉर सम वर्क एंड जस्ट फॉर सम रिलैक्सेशन। So yeah, coming to today's video, I just read this book, The Zoya Factor by Anuja Chauhan on my Kindle and it disappointed me a lot. मैंने इसके पहले बुक पढ़ी थी The Accidental Prime Minister, जिसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है। वो बुक भी मैंने इसी पर्पज़ से पढ़ी थी क्योंकि उस पर बेस्ड मूवी बनने वाली थी एंड आई थॉट कि बहुत अच्छी बुक होगी एंड आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग एंड आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग विद दिस वन एज वेल। सो अनुजा चौहान काफ़ी फेमस राइटर हैं इंडिया में, उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली जाती हैं। अनुजा चौहान इज़ द चेतन भगत दैट वी ऑल डिजर्व, अनुजा चौहान इज़ द न्यू एज राइटर, एवरीबडी शुड रीड, ब्ला ब्ला। सो आई थॉट ओके, अनुजा चौहान की बुक पढ़नी भी थी काफ़ी टाइम से और इस पर बेस्ड मूवी बनने वाली है जिसमें सोनम कपूर और दुलकर सलमान एक्ट करने वाले हैं एज मेन लीड्स। दुलकर सलमान इज़ क्वाइट फेमस डाउन साउथ। सो आई थॉट ओके, लेट्स गिव दिस बुक अ ट्राई। और ये अनुजा चौहान की लिखी हुई फर्स्ट बुक है, सो आई थॉट इट्स गुड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, राइट? सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड माय गॉड, हाउ शुड आई पुट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टोरी है, जो प्रेमिस है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट अ गर्ल कॉल्ड जोया, आई थिंक जोया सोलंकी, द कैरेक्टर्स कॉल्ड जोया सोलंकी, हु वर्क्स इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी कॉल्ड zing.co। अनुजा चौहान खुद भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर चुकी हैं काफ़ी सालों तक, 15 से 20 सालों तक। काफ़ी सारे फेमस जिंगल्स जो आपने सुने होंगे वो उन्होंने ही लिखे हैं। सो शी हैज़ दिस होल नॉलेज ऑफ हाउ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड वर्क्स और उसी नॉलेज को उन्होंने यूज़ किया है इस बुक में भी। तो उनका जो ये मेन कैरेक्टर है जोया सोलंकी, ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करने की भी, स्पेशली शाहरुख खान के साथ काम करने की भी। लेकिन इमीडिएटली उसी समय कुछ ऐसा होता है कि उनका एक कॉलीग जो क्रिकेट से रिलेटेड काम करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, उसको कुछ इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसकी फैमिली कुछ इमरजेंसी होती है और उस कारण से जोया सोलंकी हैज़ टू फिल इन हिज प्लेस और उसको ढाका जाना पड़ता है टू कवर ए स्टिंट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। नाउ जोया सोलंकी हेल्स फ्रॉम करोलबाग, फ्रॉम अ ह्यूज जॉइंट फैमिली और उसके बारे में भी काफ़ी सारा बैकग्राउंड दिया हुआ है, काफ़ी करोलबाग का मैंशन है कि वहाँ कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे लोग होते हैं, हाउ डे टॉक एंड ऑल। तो वो पूरे उस बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे एवरीबडी लव्स क्रिकेट, लेकिन उन्हें खुद क्रिकेट इतना पसंद नहीं है और शी गेट्स वेरी डिसअपॉइंटेड कि उनको शाहरुख खान का शूट छोड़ के ढाका जाना पड़ता है इंडियन क्रिकेट टीम को कवर करने के लिए। बट शी हैज़ टू इवेंचुअली गो और वो जाती हैं वहाँ पर और वहाँ पर बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं और ऐसा कुछ होता है कि जोया सोलंकी ऐसे ही कह देती है कि मैं बहुत लकी हूँ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्योंकि मेरा जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जब इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था इन द कैप्टनसी ऑफ कपिल देव। तो कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो इस बात को काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि जब भी जोया हमारे साथ ब्रेकफास्ट करती है तब हम सारे मैच जीत जाते हैं। हालांकि ये सुपरस्टिशन है लेकिन वो लोग इस बारे में बहुत बिलीव करते हैं एंड वी ऑल नो कि इंडियंस क्रिकेट को कितना मानते हैं, दे टेक इट एज अ रिलीजन। काफ़ी हद तक काफ़ी सारे इंडियंस सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो सेम चीज़ होती है उन क्रिकेटर्स के साथ भी और स्पेशली जो इस क्रिकेट टीम का कैप्टन है निखिल खोड़ा, जो कि काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, वो इस बारे में बिलीव नहीं करता है लेकिन इवेंचुअली ही ऑल्सो हैज़ टू सरेंडर बिकॉज ऑफ हिज टीम। तो वो चीज़ आगे बढ़ती है और जोया और निखिल खोड़ा की रोमांटिक लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। ही वॉज गिविंग मी सम विलियम डार्सी काइंड ऑफ अ वाइब फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस, कह सकते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा वैसा ही कैरेक्टर है। और फिर जोया सारे इवेंट्स पे टीम के साथ जाती है, उनके साथ ब्रेकफास्ट करती है, उसे एक प्रॉपर टीम में एक दर्जा दिया जाता है, एक प्लेस दी जाती है और फिर उसको इंडियन क्रिकेट टीम में ज्वाइन कर लेते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट मिलने लग जाते हैं, पूरा देश उसको जोया माता की तरह मानने लग जाता है एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंस इन दिस बुक। बट ओवरऑल आई डिडंट एन्जॉय दिस बुक बिकॉज ए आई वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अनुजा चौहान राइटिंग एंड बी दिस बुक इज सच अ लॉन्ग बुक। आई थिंक इस अराउंड 500 पेजेस और समथिंग। किंडल पे पढ़ते वक्त मुझे उतना समझ नहीं आया कि ये बुक कितनी बड़ी होगी एंड मोस्टली मैं किंडल पे जब भी कोई बुक पढ़ती हूँ तो मैं बहुत फास्ट पढ़ लेती हूँ। सो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है अब ख़त्म होगी, अब कुछ चीज़ आएगी, अब कुछ चीज़ आएगी, बट नो,
इट वॉज सच अ लॉन्ग स्ट्रेच्ड बुक, और इसलिए भी मुझे इससे डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि अनुजा चौहान कोई ऐसी नई सी राइटर नहीं है कि जिसने बस कुछ और काम करती थी और आके बस एक बुक लिख दी. शी वॉज इन द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो उन्हें पता है कि कैसे किसी चीज़ को एडिट किया जाता है, कैसे कोई बड़े से कॉन्टेक्स्ट को छोटा किया जाता है, उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है. तो ऐसे किसी पर्सन से जो इस बैकग्राउंड से आता है उससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो व्हेन ही और शी राइट्स अ बुक, लेकिन वो सारी उम्मीदें गलत साबित हो गई क्योंकि इतनी बड़ी बुक लिख दी जिसका कोई पर्पज नहीं था. आई थिंक इसमें कम से कम 200 से 250 पेजेस आराम से कट शॉर्ट हो सकते थे. और एक और चीज़ जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये कि इसमें बहुत सारे हिंदी वर्ड्स हैं. आई मीन यू नो जैसे चेतन भगत की राइटिंग होती है कि जो बहुत सारे हिंदी वर्ड्स लिखते हैं इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, लेकिन फिर भी चेतन भगत की नॉवेल्स में कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स होते हैं लाइक यार या चल इस टाइप के, लेकिन इसमें तो पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं. और मैंने 20 से 25 सेंटेंसेस तो मार्क किए थे लेकिन उसके बाद आई गिव अप, मैंने मार्क करना भी छोड़ दिया. और इतने सारे हिंदी सेंटेंसेस हैं, मतलब यदि कोई अमेरिकन या कोई और इस बुक को पढ़ना चाहेगा अदर देन इंडियन वो नहीं पढ़ सकता, वो अपने बाल नोचने लग जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है. और हिंदी तो ठीक है लेकिन जो इंग्लिश है वो इंग्लिश इतनी अच्छी है, इनफैक्ट बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता था. यूजुअली मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मुझे कोई डिक्शनरी लेके बैठना पड़े कोई बुक पढ़ते टाइम, बट इसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं दैट यू विल डेफिनेटली नीड अ डिक्शनरी. आई मीन या तो पूरा हिंदी में लिख दो या पूरा इंग्लिश में लिख दो, या फिर आप लिख भी रहे हो एक मिक्स लैंग्वेज में तो इंग्लिश को एटलीस्ट थोड़ा सिंपल रखो. राइट, यू आर टारगेटिंग इंडियन ऑडियंस, डेफिनेटली ये बुक किसी और ऑडियंस के लिए तो है ही नहीं, तो एटलीस्ट उस इंग्लिश का जो पार्ट है उसे तो थोड़ा सा सिंपल रखो. आई डिडंट सी एनी रीज़न इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने का. अब रही बात मूवी की, तो दुलकर सलमान का तो आई डोंट नो, लेकिन सोनम कपूर से तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहूँगी. एंड स्पेशली जो ये जोया सोलंकी का रोल है, इट्स लाइक अ गर्ल जो ऑलरेडी वो खूबसूरत मूवी में प्ले कर चुकी है. यू नो ए गर्ल हु कम्स फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, जो बहुत ही चर्पी सी है, जो बहुत ही लाइवली है, और जो एक लड़के पे क्रश करती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो बहुत ही हैंडसम है, जो बहुत ही यू नो दिस रफ टफ लुकिंग गाय, और वो उस पर क्रश करती है एंड इवेंचुअली दे बोथ गेट टुगेदर. तो सेम रोल उन्होंने खूबसूरत मूवी में किया था वेल शी वॉज क्रशिंग ऑन फवाद खान. सो आई डोंट थिंक दिस समथिंग एल्स इन दिस मूवी और समथिंग एल्स इन दिस कैरेक्टर विच शी इज़ गोना पोर्ट्रे. हाँ, बस आई जस्ट होप कि जो मूवी बने वो इतनी लंबी ना बने जितनी लंबी बुक थी, क्योंकि मूवी काफ़ी एडिट होके बनेगी. सो आई होप कि वो कट शॉर्ट रखें. और बहुत सारे इसमें अच्छे सीन्स हैं जैसे कि क्रिकेट के बारे में काफ़ी सारे सीन्स हैं, जो करोल बाग का पूरा एनवायरनमेंट है, इंडिया के काफ़ी सारे कल्चरल चीज़ें हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब रखना चाहिए लेकिन उसको कट शॉर्ट करके रखना चाहिए. अदर देन दिस आई डोंट हैव वेरी मच टू से. ओवरऑल मुझे तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी. यदि आप लोगों ने द जोया फैक्टर पढ़ी है तो मुझे बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी, वॉट आर योर थाट्स अबाउट इट. और आई थिंक और भी बुक्स हैं अनुजा चौहान के द्वारा लिखी हुई जो थोड़ी ज्यादा फेमस है, स्पेशली दोस प्राइजी ठाकुर गर्ल्स एंड बास, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी रिसेंटली उसे पढ़ूंगी क्योंकि इस बुक का एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था. बट प्लीज टेल मी यदि वो बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं एंड आई शुड गिव देम अ ट्राई, मे बी आई विल. दैट दिस वॉज माई रिव्यू फॉर द जोया फैक्टर रिटन बाय अनुजा चौहान. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू हैवन्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशन ऑन बिकॉज आई मेक ऑल द बुक रिलेटेड वीडियोज एंड एडुकेशनल वीडियोज ऑन दिस चैनल. एंड मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ. टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप रीडिंग. बाय.